बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर फराज़ है और मैं इंशाल्लाह 7 अप्रैल से आप लोगों के रेस्पिरेशन के लेक्चर्स लूँगा। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँगा, आपसे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह जल्द होगी। और वेलकम टू दिस कॉलेज, वेलकम टू एमबीबीएस। आई होप कि अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम अज़ कम आपको डिसअपॉइंट नहीं किया होगा इस फील्ड ने अभी तक, और अभी तक एक्साइटमेंट होगी इंशाल्लाह, और अभी तक एनर्जीज अप होंगी। विद दैट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ। रेस्पिरेशन लेक्चर्स जैसे मैंने आपसे कहा 7th से शुरू हो रहे हैं, 7 अप्रैल से रमज़ान होगा इंशाल्लाह। और मेरे लेक्चर्स दो हुआ करेंगे, एक थर्सडे को 8 AM और एक सैटरडे को 9 AM। I expect my students to reach the venue on time, slightly before time, so that you can settle down. So when I come, we start immediately. तकरीबन 12 से 15 total lectures होंगे जिसमें हम respiratory physiology cover करेंगे। Format से related मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। Since COVID वगैरह का जब से मामला शुरू हुआ है तो we were shifted to online teaching. तो उसमें यह हुआ कि मैंने अपने रेस्पिरेशन के तो पूरे यूनिट के मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, कई चीज़ें लाइव थी उसमें और कई चीज़ें रिकॉर्डेड थी, तो वो मेरे चैनल पे सारे का सारा वीडियोस मौजूद हैं। प्लेलिस्ट्स के तौर पर उनको डिवाइड किया गया है, सो रेस्पिरेशन की जो प्लेलिस्ट है आई बी शेयरिंग इट विद यू। एंड जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, उसमें मैं हर लेक्चर से क्लियरली कई दिन पहले वो एक लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा। अब ये एक फ्लिप्ड क्लासरूम का एक कॉन्सेप्ट है। फ्लिप्ड क्लासरूम वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पहले से चल रहा है। उसका कॉन्सेप्ट छोटा सा बुनियादी तौर पर ये होता है कि जो लेक्चर होता है उससे पहले जो लेक्चर से मुतल्लिक डिटेल्स होती हैं, यानी मटीरियल्स होते हैं, किताबें हैं या नोट्स हैं या ऑनलाइन कोई चीज़ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैं या वीडियोज़ हैं, वो चीज़ें स्टूडेंट्स को लेक्चर से पहले, लेक्चर्स के दौरान और लेक्चर्स के बाद अवेलेबल कर दी जाती हैं, सो दैट जो स्टूडेंट लेड लर्निंग है, जो स्टूडेंट खुद लर्निंग करते हैं, इस चीज़ को प्रमोट किया जा सके। ये चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं। हम कम से कम कई लोग हमारे इस कॉलेज में भी जो डायडेक्टिक लेक्चरिंग है, यानी जो बस सिर्फ लेक्चर दिया और उसके बाद ना लेक्चरर का पता है, ना उसके मटेरियल्स का पता है, ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कौन सी थी, कहाँ है वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को हर चीज़ अवेलेबल जहाँ तक मुमकिन है वो करनी चाहिए। मैं इस माइंड का हूँ। इसी स्पिरिट में मैं ना सिर्फ पहले आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा लेक्चर जो कि लाइव हम लिया करेंगे, यानी जब मैं आया करूँगा इंशाल्लाह, बल्कि वो क्योंकि चैनल पे है तो वो कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि पहले से पढ़ के आ जाए करें, तो वो उसका फिर ये सिलसिला होगा कि हम लोग जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन किया करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर एक टॉपिक है, मिसाल के तौर पर वी विल स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, बेसिकली इंस्पिरेशन के मसल्स, एक्सपिरेशन के मसल्स। अब अगर आप लोग वो पहले से वीडियो देख आए हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन डिटेल से कर रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक चीज़ें दे विल स्टिक टू यू, दे विल स्टिक टू योर मेमोरी, आपको याद होगा या आपके जहन में होगा। सो जब हम इंशाल्लाह दू बदू होंगे तो उसमें हम थोड़ी सी चीज़ आगे की डिस्कस कर सकेंगे या जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको क्लैरिफाई कर सकेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम ए टिपिकल लेक्चर जहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता होता कि आज प्रोफेसर साहब या जो भी लेक्चरर है वो क्या करने लगे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। इसमें ना सिर्फ आपको पता होगा बल्कि वो चीज़ आप उसी लेक्चरर की कवर कर चुके होंगे अगर आप इसको साथ साथ लेके चलें। और इसमें आपको फायदा ये होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकेंगे ताकि वो ज्यादा बेहतर तौर पर आपको समझ आ सकें और वेरी इंपॉर्टेंटली याद रह सकें, और उसके बाद भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि वो लेक्चर तो वहीं पर मौजूद है। और खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो नॉट टू वरी, वो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन द चैनल। तो इस कॉन्सेप्ट को फ्लिप क्लासरूम कहते हैं कि क्लासरूम को फ्लिप कर दिया गया है, जो मटेरियल्स हैं वो स्टूडेंट को एक्सेस में दे दिया गया है और लेक्चरर
एक फैसिलिटेटर है आपकी लर्निंग के लिए और उसको प्रमोट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस फ्लिप क्लासरूम के कॉन्सेप्ट से फायदा उठाएंगे। इसकी नेगेटिव साइड ये है और वो भी बड़ी क्लियरली आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊँ, मैं सारी चीज़ें कभी नहीं पढ़ाई, कभी नहीं पढ़ाऊँगा। अब इवन जो टॉपिक्स हैं, जो की टॉपिक्स हैं, फेमस टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके भी मैं, मेरी ज़्यादा कोशिश होगी आपको उनमें से भी जो की पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूँ और मेनली आपके क्वेश्चन आंसर्स फील्ड करना, उनके साथ डील करना, ठीक है। तो मैं इस माइंडसेट से आया करूंगा इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में कि आपने, सारों ने या मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ने वो चीज़ ऑलरेडी देख ली भी है, कुछ अगर पढ़ाई करने का भी मौका मिल जाए तो पढ़ाई भी की हुई है, तो वी विल डिस्कस, वी विल हैव अ मोर ऑफ अ डिस्कशन देन अ टिपिकल लेक्चर इंशाल्लाह। सो एट द एंड एज यूजुअल जो हमारी हमारी हमारा तरीकाकार है, SOP है, हम एंड में एक असेसमेंट लेंगे विच विल कंप्राइज ऑफ MCQs एंड SCQs। फिजियोलॉजी में हर यूनिट कवर करने के बाद एंड में एक असेसमेंट होती है जिसमें एक टेस्ट होगा और वो फिर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आपसे शेयर किया जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू टीचिंग यू गाइस, रादर डिस्कसिंग विद यू गाइस इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।